Everyone, today we discuss the MCQ question, that is very important questions regarding the chapter 1, chapter 2 and chapter 3. तीनों chapters को मिला के जो very important question थे, इससे पहले भी exams आपके हुए हैं, लेकिन इस तीनों chapters से वैसे questions को find out किया गया जो पहले नहीं दिए गए थे. ठीक है, common question नहीं होगा, तो इस questions को आप अच्छे से बनाएंगे और हर एक options को आप देखेंगे, क्योंकि होता है क्या है कि अगर आप दो तीन बार options को देखते हैं तो दूसरा concept जो उससे मिलता जुलता है वो भी आपको क्या होता है, रिकॉल होने लगता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही फायदे हैं कि आप उसके बारे में सोचते हो जो options दिए रहते हैं, तो आपके जो पहले के जो रिकॉल माइंडेड, जो मतलब कि आपने पहले पढ़ा है और रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ऑप्शन देखने से क्या होता है कि वो चीज़ रिकॉल होने लगता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा फिर भी आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि छोड़ने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन जहां अगर नेगेटिव मार्किंग की बात होती है देन आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन इस ये जो एग्ज़ाम होगा, आज जो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसको आप हर एक क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, जो नहीं आता है उसमें ऑड मैन छाड़ेंगे, मतलब कि जो आपको लगता है कि ऑप्शंस नहीं हो सकता है उसको आप पहले किनारे कर दो. उसके बाद आप दो ऑप्शन में पहुंचोगे, दो ऑप्शन में जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि ये करीब है, आंसर के करीब है, ये हो सकता है, प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, देन आप उस पर टिक कर सकते हैं, है ना, उसको आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Now, the question number 1 is, the plant prepare their own food. ये तो आपको पता है, their own food by the process of. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज फोटोलाइट, ऑप्शन नंबर 2 इज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर 3 इज पैरासाइट, ऑप्शन नंबर 4 इज होस्ट. Okay, that is question number 1. Now, we write question number 2. Question number 2 is, the meaning of carnivorous. The meaning of carnivorous, option number 1 is all eater. Okay, option number 2 is half eater. Okay, now option number 3 is eat only plant product. Okay, that is option number 3. Now D is all of these. Okay, that is question number 2. Now we write question number 3. Okay, now question number 3 is, nucleus is surrounded by jelly like substance. Okay, the nucleus surrounded by jelly like substance is called, option number 1 is cell membrane. Okay, now B is cytoplasm, option number C is nucleus. Okay, now next one is, that is D number, none of these. Now we revise question number 1, 2, 3. First one is, the plant prepare their own food. मैंने आपको कितनी बार बताया कि plant क्या autotrophic है. वो जो prepare करता है food को, उस process का नाम क्या है, वो आपको बताना है. ठीक है, first option is photolyte, B is photosynthesis, C is parasite, D is host. Okay, that is question number 1. Now, question number 2 is, the meaning of carnivorous. Carnivorous का meaning क्या होता है, ठीक है, carnivorous का meaning क्या होता है, all eater. B1 is half eater,
सी इज ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके नाउ डी इज ऑल ऑफ दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री. न्यूक्लियस इज सराउंडेड, ये वर्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक, कैसा जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड. ए नंबर इज सेल मेम्ब्रेन, बी इज साइटोप्लाज्म, सी इज न्यूक्लियस दैट इज सी. ओके नाउ डी इज नन ऑफ दिस. ठीक है, तो आपके सामने कितने ऑप्शन है, चार है. आपको क्या करना है, एक पे फोकस करना है, इसमें से केवल एक ही आंसर आपका सही होगा. ओके नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर फोर. फोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो फोटो इन फोटोसिंथेसिस. ओके फर्स्ट वन इज एनर्जी. ओके बी वन इज लाइट. ऑप्शन नंबर सी इज क्लोरोफिल एंड ऑप्शन नंबर डी इज फूड. ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर एल्गी आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वन इज दैट इज क्लोरोफिल. ओके नाउ बी वन इज कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन नंबर सी इज फैट एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटीन. ओके नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कस्क्यूटा इज ऑप्शन नंबर वन इज पैरासाइट. ओके बी वन इज होस्ट. सी नंबर इज ऑटोट्रॉफिक. ओके एंड डी वन इज नन ऑफ दिस. ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर सेवन. कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड. ओके ऑप्शन नंबर वन इज एमरबेल. ऑप्शन नंबर बी इज पैरासाइट. ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी वन इज नन ऑफ दिस. ओके नाउ वी रिवाइज फ्रॉम फोर टू सेवन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो, आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस वर्ड है. ओके इसमें फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब आपको बताना है. ऑप्शन नंबर वन इज एनर्जी. ओके बी वन इज लाइट, सी वन इज क्लोरोफिल एंड डी वन इज फूड. और नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फाइव. एल्गी आर ग्रीन. एल्गी आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैंने आपको बताया था कि तालाब के किनारे जो है आपको मोस्टली जो रिवर्स तालाब के किनारे आपको एल्गी देखने को मिलता है. ठीक है वो ग्रीन होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल, नेक्स्ट वन इज बी दैट इज कार्बोहाइड्रेट, सी इज फैट एंड डी इज प्रोटीन. इसमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कस्क्यूटा इज ऑप्शन नंबर वन इज पैरासाइट, बी इज होस्ट, सी इज ऑटोट्रॉफिक एंड डी इज नन ऑफ दिस. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवन. कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड अमरबेल, बी इज पैरासाइट, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस. दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड कीप इट अप. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट इज विच वन इज सिंबल ऑफ
सिंबल ऑफ पोटासियम. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज के टू, ऑप्शन नंबर बी इज एन ए, ऑप्शन नंबर सी इज ओनली के एंड डी इज ओ टू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन इज बेस्ड ऑन फिगर. आपके ग्रीन बोर्ड में एक आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, उस फिगर का आपको नाम बताना है. आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है. अब आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें ये काफ़ी बोल्ड में ये फिगर दिया गया है. जो भी फिगर्स आपके दिए जाते हैं एनसीईआरटी में काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, तो आपने पढ़ाई की होगी तो आप फिगर्स के नाम बता सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर नाइन इज बेस्ड ऑन फिगर. इस फिगर्स का डायरेक्ट आपको नाम लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स. ओके, टेक इन न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व. ओके, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके, डेट इज सी ए वाई एन जी. डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड, डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर वन इज न्यूट्रिशन. सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज सैप्रोट्रॉफिक, दैट इज आर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज स्टोमैक न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके, नन ऑफ दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 11. फिगर्स एंड मैन्यूर कंटेन, ऑप्शन नंबर वन इज वेरी गुड. ऑप्शन नंबर वन जो आपका दिया गया है, पहले मैं बता दूं फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर के बारे में. जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, पहले ही मैंने बताया था कि दोनों का यूज़ कब किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्टिलाइजर का अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाता है, फिर हम लोग उसको बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मैन्यूर का यूज़ करते हैं, डेट इज़ ऑर्गेनिक मैटर. ओके, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर का जो मेन यूज़ होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है. तो लिखेंगे सॉइल, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर कंटेन पोटासियम, नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन, थर्ड वन इज दैट इज सी ऑप्शन फास्फोरस. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस. ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज राइजोबियम बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया का नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन आगे आपको मिलेंगे, सीनियर क्लासेस में मिलेंगे. ऐसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्टली आते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑप्शन नंबर वन इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक ऑप्शन नंबर बी इज हेटरोट्रॉफिक. एंड ऑप्शन नंबर सी इज बोथ. एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ वी रिवाइज फ्रॉम द 8 टू 12. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट व्हिच वन इज सिंबल ऑफ. आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिंबल ऐसा है जो किसका है, पोटासियम का. ओके, क्वेश्चन इज पोटासियम. नाउ ए इज के टू, बी इज एन ए, C is K and D is O2. That is question number 8. Now, question number 9 जो था आपका फिगर बेसिस था. चलिए 10 पे चलते हैं. Organisms take nutrients from dead and decaying. मर गया, सड़ गया, उससे अगर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स,
कि बॉडी के जो डिकेइंग हो जाते हैं फॉरेस्ट में, आपने देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, वो क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है, ठीक है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर वन इज न्यूट्रिशन, बी इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हो, न्यूट्रिशन जो मिलता है उसका टर्म है वो आपको बताना है, सी इज स्टोमैक न्यूट्रिशन एंड डी इज नन ऑफ दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन, जो दोनों फर्टिलिटी जो सॉइल को बढ़ाने में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ऐसा क्या चीज उसमें पाया जाता है जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए इज पोटासियम, बी इज नाइट्रोजन एंड सी इज फॉस्फोरस एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइजोबियम बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका 11 एंड 12 में स्टार मार्क लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफिक, ओके ऑटोट्रॉफिक, बी इज हेटरोट्रॉफिक एंड सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन इंपॉर्टेंट में भी क्या होता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर वेरी गुड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इजी, विच गैस फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑप्शन नंबर वन इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीजन। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14 विच आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच गैस आर प्रेजेंट इन लार्ज स्केल इन आवर एटमोस्फेयर, ऑप्शन नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ऑप्शन नंबर बी इज O2 दैट इज ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इज नाइट्रोजन, ओके एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे पक्का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इंसीजर यूज टू डैश द फूड, ओके ऑप्शन नंबर वन इज टियरिंग, ओके ऑप्शन नंबर बी इज पियर्सिंग, ऑप्शन नंबर सी इज ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थाउजेंड ऑफ आउटर ग्रोथ हैज थाउजेंड ऑफ आउटर ग्रोथ हैज थाउजेंड ऑफ आउटर ग्रोथ आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज विली, बी इज लीवर, सी इज पैनक्रियास एंड डी इज ऑल। ओके, नाउ वी रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू 16, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
थोड़ा कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया जाए। सर दिस क्वेश्चन आर लुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। नाउ ऑप्शन नंबर वन इज सी ओ टू, बी इज एच टू एस ओ फोर, सी ए सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स। देखिए आप लोगों को करना क्या है ना, ये मैंने फॉर्मूले इसलिए लिखे ताकि आपको अभी से समझ में आ जाए कि फॉर्मूला आपको आगे मिलने वाला है आगे क्लासेस में, तो आप फॉर्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का बेस है ये सब, है ना, तो कैसे छोड़ सकते हैं। एस टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक, सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इज डी वन ऑक्सीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज विच गैस आर प्रेजेंट इन लार्ज स्केल इन आवर एटमोसफेयर। पाया तो सब जाता है, बहुत सारे गैसेस है, मतलब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर वन इज सी ओ टू, ऑप्शन नंबर बी इज ओ टू, ऑप्शन नंबर सी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। इंसीजर यूज टू, मैंने आपको बताया था देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है, इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, अगर आपको पता होगा तो आप जरूर सही कर पाएंगे। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर वन इज टियरिंग, ओके, बी इज पियर्सिंग, सी इज ग्रिंडिंग एंड डी इज नन ऑफ दिस। सर इसका मीनिंग क्या? देखिए मीनिंग क्या है ना कि टियरिंग का मतलब होता है ना, जैसे कि किसी चीज़ को फाड़ते हैं ना, पैकेट, लेस के पैकेट, कुरकुरे, जो भी आप खाते हो, है ना। पियर्सिंग, ग्रिंडिंग, चिवाना, तो ये सब आपको पता, अगर मैं इसका मीनिंग बता दूंगा देन आप आंसर लिख लोगे। ठीक है, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड ऑफ आउटर ग्रोथ, ओके, आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर वन इज विली, वी इज लीवर, सी इज पेनक्रियास, डी इज ऑल। ऑल बोले तो ऑल ऑफ दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 17। इन रूमिनेंट्स एनिमल, मैंने आपको बताया था रूमिनेंट्स एनिमल्स क्या होते हैं, फिर से अगर बता देता हूँ। चरने वाले जो जानवर होते हैं ना, चढ़ने नहीं, चरने वाले, मतलब रिंग, ये जैसे आपका काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, आपके गोट हो गए, ये क्या रूमिनेंट्स एनिमल्स है। ठीक है, तो इन रूमिनेंट्स एनिमल्स लिख भी देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, लाइक काउस, द ग्रास स्टोर्ड, जब वो खा लेते हैं तो कहाँ पे स्टोर्ड होता है वो आपको बताना है। द ग्रास स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ स्टोमैक, ओके। ऑप्शन नंबर ए है आपका सिक्कम, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी इज लार्ज इंटेस्टाइन, नन ऑफ दिस, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में जो फिगर आपके दिया हुआ है ग्रीन बोर्ड में, वो आपको बताना है कि कौन सा फिगर है। कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, आपको बुक्स में दिए गए ये फिगर, आपने अगर पेज भी पलटा होगा, पेज भी एक बार देखा होगा, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों के जैसा जो दिखने वाला पार्ट, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा, ओके, इन अमीबा इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया जब मैंने पढ़ाया था, तो इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर वन इज फॉल्स विट, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ बी इज सीडोपोडिया एंड सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज घबराना नहीं है, ऐसे आपको टेढ़े मेढ़े नाम मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में क्या है ना कि ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको, रोहन, सोहन, मोहन टाइप का नाम नहीं मिलेगा, वो मैथ में मिलता है कि मोहन गया मार्केट खरीदने, टॉफ़ी खरीदा, सोहन गया, सीता गई, गीता गई, लेकिन बायोलॉजी साइंस में आपको थोड़े टिपिकल वर्ड मिलेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, तो फिर आसान लगेगा। ठीक है,
Now we move to question number 20. Form of, full form of ORS. Option number one is oral rehydration solute. That is option number A. Now option number B is oral redirect solution. Now option number C is oral rehydration solution. Okay, now option number D, that is last option, none of this. That is question number 20. Now we revise from 17 to 20. In ruminants animals like cows, खाने के बाद जैसे उन्होंने घास खाया, the grass is stored in which part of stomach? सिक्कम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हम लोग ना खाया हुआ तो swollen grass, ठीक है, निगला हुआ grass. Swollen grass is stored in which part of stomach? First option is सिक्कम, B is small intestine, C is large intestine, D is none of this. Now क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिगर बेसिस था, तो हम लोग डिस्कस करेंगे 19. द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्सविट, बी ऑप्शन इज सीरोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दिस. ठीक है, घबराना नहीं है ना, ध्यान से देखिए आपको याद आ जाएगा. फुल फॉर्म ऑफ ओ आर एस, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20. ओ आर एस का फुल फॉर्म, कभी आप मार्केट गए होगे है ना, कभी आपकी तबीयत खराब हो गई कि स्टोमक में एसिडिटी का मात्रा जब बढ़ जाता है, तो इंसान को जब स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो जब क्या बोलते हैं उसको, डायरिया जैसा प्रॉब्लम होता है, डायरिया जैसा प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर उनको कौन सी सलाह देते हैं सॉल्यूशन लेने का, ओ आर एस सॉल्यूशन लेने का सलाह देते हैं. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूट, दैट इज ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर बी इज ओरल रीडायरेक्ट सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर सी इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 21. स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स, feeds on animals by the hard cells, by the hard cells of, option number one is calcium, option number B is calcium carbonate, option number C is ammonium carbonate. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. स्टारफिश का आपका, स्टारफिश का जो कॉन्सेप्ट है आपके बुक में बॉक्स में दिया है, ब्लू बॉक्स में, तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे. आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में जो ब्लू बॉक्स कहीं कहीं दिए रहते हैं, ठीक है, आपके एक्टिविटी भी दिए रहते हैं, या फिर जो बॉक्स टाइप में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट टाइप का लिखा रहता है, उसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, उसको एक बार ज़रूर रीड करिएगा. कभी कभी क्वेश्चंस उसमें से भी पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या, पूछने का तो कहीं से ही पूछा जा सकता है, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें को लिख दिया जाता है अलग से, ताकि आपका ध्यान उस पर जाए, क्योंकि डिफरेंट कलर्स जब एनसीईआरटी यूज़ करता है किसी चीज़ को लिखने के लिए, मीन्स वो इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा बहुत टाइम क्या होता है, टर्म्स को ब्लैक कलर्स में लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर्स में लिखने का ये मतलब होता है कि वो इंपॉर्टेंट तो है और हमारा ध्यान जो है उस पर जाए, ठीक है. डिफरेंट कलर्स होते हैं ना बुक्स में, तो इंसान का जो ध्यान जाएगा बुक्स खोलने के बाद उस ब्लैक कलर पे जाएगा, इसलिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो डायग्राम में हो, चाहे वो ब्लू बॉक्स में लिखते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है उस टर्म्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है. ऐसा नहीं सोचना है कि वो बॉक्स में दिया मीन्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज सेल्युलोज, सेल्युलोज इज अ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर वन इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी इज फैट, ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी इज कार्बोहाइड्रेट.
ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस. ओके नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए रैट, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच, ऑप्शन नंबर सी एंट, ऑप्शन नंबर डी काउ. ओके नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 24. The acid which are present in our stomach. ये तो आप बता ही दोगे, मुझे पक्का विश्वास है. Now option number one is sulfuric acid H2SO4. Option number B is hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑप्शन नंबर सी इज HCl एंड ऑप्शन नंबर डी इज बी एंड सी बोथ. ओके नाउ वी रिवाइज फ्रॉम 21 टू 24. 21 इज स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स बाय द हार्ड सेल्स ऑफ. ऑप्शन नंबर वन इज कैल्शियम. ओके ऑप्शन नंबर बी इज कैल्शियम कार्बोनेट. ऑप्शन नंबर सी इज अमोनियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज सेल्युलोज इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज ए बी फैट सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी ऑल ऑफ दिस. ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. सिकम प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए रैट, बी कॉकरोच दैट इज के, ओके सी एंट एंड डी काउ. ओके ये चार ऑप्शन है, आपको एक का आंसर देना है, सॉरी आपको एक ऑप्शन को चुनना है. ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 24. द एसिड विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टोमैक. ऑप्शन नंबर ए H2SO4, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी HCl एंड डी बी एंड सी बोथ. ओके ठीक है मैंने आपको कल या परसों जो क्लासेस दिया था, ठीक है उसमें मैंने सॉरी परसों दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से एसिड पाए जाते हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है. इतना हिंट काफ़ी, अगर आपने पढ़ा होगा देन आप आसानी से आंसर दे पाएंगे. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 25. फाइव इज सिल्क फाइबर आर सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन. ओके नाउ we write question number 26. Question number 26 is based on figure. आपको एक इमेज दिख रहा है आपके बोर्ड में, इस इमेज को देख के आपको इसका नाम बताना है कि ये फिगर किस चीज़ का है. ठीक है या फिर आप ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के कि इसमें क्या चीज़ आपको पता चल रहा है. ठीक है तो इसमें आपका IQ टेस्ट होगा कि आपने कितने बार बुक्स को देखा है, कितने बार बुक्स को पढ़ा है. ठीक है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. नंबर 27 इज डैश इंटेस्टाइन. डैश इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर. ओके ऑप्शन नंबर वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑप्शन नंबर बी इज लार्ज इंटेस्टाइन. ऑप्शन नंबर सी इज बिली एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 28.
क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी इजी. डैश जूस स्टोर्ड इन अ डैश जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड डैश. ओके देर आर टू फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपको बताना है कि विच जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड डैश. ओके ऑप्शन नंबर वन इज बाइल एंड लीवर. ओके बाइल फॉर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड लीवर फॉर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो डोंट कन्फ्यूज. ऑप्शन नंबर बी इज बाइल एंड स्टोमैक. ऑप्शन नंबर सी इज बाइल एंड गाल ब्लैडर. एंड द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर डी none of this. Okay, that is question number 28. Now we write question number 29 लिखने से पहले आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ. ठीक है सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ किससे बना रहता है. फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट बी इज प्रोटीन सी इज कैल्शियम डी इज नाइट्रोजन. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27 डैश